जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन इंडिया में अब वर्स्ट हो गई है। उसको देखते हुए आईएससी वालों ने एक फिर से रिडक्शन निकाला है सिलेबस में, जिसके वजह जो अब नया सिलेबस है बोर्ड 2020 के लिए। आज हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस देंगे फर्दर रेड्यूस सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री आईएससी क्लास 12। इसमें हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो अब आपको नहीं पढ़नी। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हाइलाइटेड हैं वो सब चीज़ें अब कोर्स में नहीं हैं। अब आपको इस वीडियो के बाद एक नया सिलेबस मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है फॉर बोर्ड 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट्स में तीन चीज़ें हटी हैं। पहला है वॉइड्स, जैसा कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड देख, वॉइड्स के टाइप लोकेशन सब हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया गया है, वैसे तो ये पहले ही हटा दिया गया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी पहले ही हटाने वाली जो चीज़ें हैं वही इंक्लूड करी हैं, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशंस ये वर्ड हटाया गया है, नए सिलेबस में ये वर्ड नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन और वेंट हॉफ फैक्टर हटा दिया गया है। रॉल्ट्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हटाया गया है। आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन के ई और एफ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अब सिलेबस में, नए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर ये चार लाइन अब नए सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें हटाई गई हैं जो है करोजन और बैटरी। वैसे तो करोजन पहले ही सिलेबस में हट चुका है, वही चीज़ को इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। बट एक और वर्ड, ये ग्राफ वर्ड इन लेफ्ट कॉलम इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। तो अब आप लोग मार्क कर लीजिए। और नाइन्थ पॉइंट अब कोर्स में नहीं है, जो कि बैटरीज और करोजन को कंटेन करता था। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी हट गया है। लेफ्ट में कॉन्सेप्ट से लेके ट्रीटमेंट तक अब कुछ नहीं है। राइट कॉलम में एट्थ पॉइंट और नाइन्थ पॉइंट अब न्यू सिलेबस में नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम कैटलिज्म कैटलिस्ट नहीं है और एडजॉर्प्शन नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एडजॉर्प्शन, एंजाइम कैटलिस्ट और प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, ये तीनों चीज नहीं है। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में दो चीज़ें हटाई गई हैं, जो कि है थर्मोडाइनेमिक्स एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड देयर अलॉयज। वेपर फेज रिफाइनिंग, निकल जोन रिफाइनिंग, ये भी वर्ड अब नए सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आएंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट में के ग्रुप 15 में अब आप देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, ये हटा दिया गया। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, हैलाइड्स और ऑक्सो एसिड्स हटा दिया गया है। नीचे देखिए तो सेकंड पॉइंट में बेरियम अजाइड से नाइट्रोजन की प्रेपरेशन हटा दी गई है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक्सक्लूड हो चुका है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन एंड अमोनिया है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से लेकर के प्रेपरेशन ओनली तक सब हटा दिया गया है। ग्रुप 16 में आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन से लेकर के ऑक्साइड्स तक सब हटा दिया गया है। सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हटा चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स हट चुका है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हट चुका है। सेकेंड पॉइंट अब इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला है। फोर्थ पॉइंट अब इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो सल्फर वाला है। इसके बाद अब आप लोग आएंगे लास्ट पॉइंट विच इज सिक्स्थ पॉइंट, इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो सब सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट है जो अब कोर्स में नहीं है। ग्रुप 17 में आ जाइए, इसमें आपको दिखेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन
सब हटा दिया गया है। इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में से कुछ नहीं हटा है, वो आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, प्रेपरेशन, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। लास्ट में फोर्थ पॉइंट में ये दो लाइन हटा दी गई हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम क्रोमाइट ओर और इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, ये चीज़ अब नहीं है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में CFT वाला पार्ट हटाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राइट कॉलम में फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अब एक्सक्लूडेड हैं। इसके बाद हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन से लेके DDT तक सब हटा दिया गया है। नीचे आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ये दोनों चीज़ भी हटा दी गई है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये हटा दिया गया है। मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल वाला पार्ट पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद एक और बड़ा रिडक्शन है, जिसे हम कहते हैं एरल ईथर्स। एरल ईथर्स भी अब कोर्स में नहीं है। इसके बाद आप लोग एल्डिहाइड्स में, जिसमें एल्डिहाइड कुछ नहीं हटा है। इसके बाद का चैप्टर 13 चैप्टर, जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है, उसमें सियानाइड्स और आइसोसाइनाइड्स हट चुका है। माइंड यू, सियानाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का पूरा पार्ट हटाया गया है। इसके बाद नीचे देखिए आप बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, ये जो चार पॉइंट चार लाइन है फ्रॉम अमाइड से लेके प्राइमरी अमाइड्स तक, ये सियानाइड्स का कोर्स है, इस वजह से ये सब रिड्यूस हो चुका है। बायोमोलिक्यूल्स में लैक्टोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन, ये चीज़ हटा दी गई है। ये तीन वर्ड अब नए कोर्स में नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के साइक्लिक तक कोर्स में नहीं है। एसिटिक एंड एनहाइड्राइड एंड फिनाइल हाइड्राइजीन कोर्स में नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से लेके क्वालिटेटिव आइडिया ओनली तक कोर्स में नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाइए आप लोग, तो आप लोग देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अब कोर्स में नहीं है। विटामिन्स में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन से लेकर स्ट्रक्चर्स आर नॉट रिक्वायर्ड तक, ये पूरा पार्ट अब नए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पॉलीमर्स में पूरा पॉलीमर्स वाला चैप्टर हटा दिया गया है, वो अब आप लोग पढ़ना है। इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हटी है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में अब कुछ नहीं पढ़ना है, एंड दिस इज़ योर न्यू सिलेबस। सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।